हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार कामत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वीडियो में, वो हम अपने पिछले वीडियो का जो है एक कंटिन्यू सीरीज लेकर आए हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री के लिए। गाइस, हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 के भी इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो गाइस, उसमें हमने क्या क्या सीख लिया था कि हाउ वी कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन एंड रेडियन मेजर इनटू बेटा डिग्री। मैंने आपको बताया था अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रखना है, 180 नीचे, इससे मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू को। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है बच्चों तो क्या कर देना है, 180 ऊपर और पाई नीचे, और पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो गाइस, और क्या पढ़ा था बच्चों हमने कि थीटा हमारे पास रिलेशन देता है आर्क और रेडियस के बीच में, दैट इज एल अपॉन आर। तो ये हमारे पास रिलेशन था जिससे हम एल और आर दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा, ये कुछ रिलेशन हमने पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, आज उसी का यूज करके बेटा हमें एक्सरसाइज 3.1 करना है, क्लास 11th का 3.1। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज अप टू डेट पढ़ाई करें। लगभग 3 या 4 वीडियो में हफ्ते में डालूंगा 11th क्लास की, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा 10th की जो है सिलेबस और जल्दी कवर करवाने की, बिकॉज मुझे NCERT एग्जाम्पलर भी करवाना है बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ठोके। चलो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स, मतलब जो जितनी भी गिवन वैल्यू है जो कि डिग्री में है बेटा, उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, अपने रेडियन में। तो आपको हमें पता है रिलेशन कि इफ वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन वी हैव टू मल्टीप्लाई वैल्यू बाय पाई अपॉन में 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फर्स्ट के पे जाएं, सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 25 डिग्री। तो बच्चे 25 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बच्चों हमें क्या करना है, 25 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, पाई अपॉन में 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है अपना, ये 5 5 जा 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा, तो हमारे पास बच्चों ये आ गया 5 पाई अपॉन में 36। बहुत इजी था बच्चों, हमने कर लिया, तो ये हमारे पास डिग्री सी रेडियन में वैल्यू आ गई। चलो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और हमारे पास क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। तो बेटा यहाँ पर मिनट का भी नोटेशन है, तो हमें पता है बच्चों कि जब भी हमें वैल्यू कन्वर्ट करनी होती है डिग्री टू रेडियन तो इट शुड बी इन डिग्री, जबकि यहाँ पर डिग्री में नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, छोटा सा चेंज करना होगा कि आप मिनट को भी किसमें कन्वर्ट कर दो, डिग्री में। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस साइन का कोई दिक्कत नहीं, -47 डिग्री 30 अपॉन बच्चों कितना, 60 वॉट। अब ये डिग्री हो गया, अब डिग्री में कर, ये डिग्री हो गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -94 माइनस +195 अपॉन में 2 अभी डिग्री में आ गया बच्चों, ठीक है, ओनली डिग्री में, मिनट से मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब इस -95 अपॉन 2 को बेटा हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत इजी, दैट इज पाई अपॉन 180 से हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। तो ये बेटा आ गया -19 पाई अपॉन में 72 आपके पास रेडियन। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, बहुत प्यारा सा छोटा सा। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जहां भी आपको लगता है आप ये भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर निकाल लीजिए फिर चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। थर्ड पे बेटा हमारे पास 240 डिग्री है, तो बेटा ओनली डिग्री में, तो भैया मैं इसे बहुत आराम से पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड इट शुड बी व्हाट, 3 6 जा 18 एंड 3 8 जा 24 0 से 0 कैंसिल आउट 2 3 जा एंड 2 4 जा मतलब 4 पाई बाय बच्चा 3 रेडियन। तो कोई डाउट ही नहीं आने की, ठीक है। नाउ हम फोर्थ कर लेते हैं बच्चों, फोर्थ क्या हमारे पास देख पा रहे हो, इट इज 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को बेटा हम कैसे करेंगे,
सिंपल, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन में 180। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट एंड 2 9 2 2 4 2 6 12, तो 26 पाई अपॉन में 9 रेडियन। तो बहुत ही इजी था बच्चों हमारे पास डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना। आप सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे, तब तक वीडियो पॉज करके नोट आउट कर लीजिए कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको और करनी है, बाकी बहुत इजी है। बिकॉज बेटा देखो, जिसने लास्ट वीडियो देख लिया उसके लिए अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो कन्वर्ट करना क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, और क्योंकि देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं आया एग्जाम में, बट आपको कैलकुलेशन ही नहीं आएगी चैप्टर की, तो आप बड़े क्वेश्चन या आप ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए और इसीलिए बुक में दिया भी है। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, जिसमें हमें डिग्री टू किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, सॉरी रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमें रेडियन वैल्यू गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन मेजर। तो बेटा हमें पता है रेडियन मेजर में हमें कन्वर्ट करना है डिग्री से, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन डिग्री वैल्यू, गिवन डिग्री मेजर टू द व्हाट, 180 अपॉन पाई। तो वही चीज करना है बेटा। सॉल्यूशन हमारे पास, हम अब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, दैट इज व्हाट, 11 अपॉन में 16। बच्चों 11 अपॉन 16 है, हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 को प्रायोरिटी मिलेगी न्यूमरेटर में, एंड व्हाट इज द वैल्यू नीचे, पाई। अब बेटा क्योंकि हमें बोला है पाई की वैल्यू 22 है, 7 यूज करनी है गिवन है, तो हम वही यूज करेंगे। तो 11 बाई 16, 180 अपॉन में पाई, 22 अपॉन में 7, 7 बच्चों रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 अपॉन में 16 इंटू में 7 इंटू में 180 अपॉन में 22। कैलकुलेशन कर लो बेटा क्या क्या हमारे पास बचेगा, 11 11 11 2 22 and 2 8 16 2 9 18 0 and it should be 2 4 8 and 2 45 90। आई होप इससे ज्यादा कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 45 7 को, तो 75 जा बेटा हमारे पास क्या जाएगा, 75 जा 35, 3 7 4 जा 28 28 और 3 31 अपॉन बेटा 8, मतलब ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। बट अब यहाँ पर जो है 3 5 अपॉन 8 डिग्री में है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी बेटा हमें जो है डिग्री में फाइंड करना है वैल्यू को, तो वो यहाँ पर आपकी डिग्री जो है वो 8 भी कैरी कर रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डिग्री जो है बेटा और भी छोटे छोटे टुकड़ों में है लिखा हुआ है। तो हमें बेटा क्या करना है, इसको फॉर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर मिनट को अगर हो सकता है पॉसिबल है, अगर वो भी टूट रहा है तो सेकंड में कर देना है। तो मैंने आपको समझाया था कैसे 315 को डिवाइड करके देख सकती हूँ लॉन्ग डिविजन, एंड वी गेट 8 3 24, और ये 7 आ गया, 8 9 72। तो बेटा हम इसको डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे, तो कैसे लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, आपके पास 8 39 एंड व्हाट, आपके पास 3, तो ये हो सकता है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हमारे पास कि 39 डिग्री हो गया और प्लस 3 अपॉन 8, अब ये भी डिग्री में है, बट अब डिग्री में 3 बचा है, बट उसका भी हमारे पास क्या 8 पार्ट में और डिवाइड हो सकता है ये डिग्री जो 3 है। तो मतलब ये हम क्या मिनट में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज ये वैल्यू बच रही है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री है बेटा कितने मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पर 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 60 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, तो अब ये जो वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगी वो मिनट में हो जाएगी, करेक्ट। तो इसको कर देते हैं मिनट में, दैट इज 39 डिग्री प्लस 180 अपॉन 8, और इसे यहाँ पर या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर दो ताकि कैंसिल आउट होगी भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 16 बचा बेटा 20 एंड 8 2 16 4 बज रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा कैसे, 39 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में व्हाट बेटा, आपके पास 8 नीचे 22 एंड 4। तो इसको बेटा मैं अब ये जो वैल्यू हमारे पास 22, ये मिनट की वैल्यू आ गई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 39 डिग्री 22 मिनट एंड 4 अपॉन 8 को बेटा मैं ऐसे लिख दूंगा, जो कि सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ये भी अपॉन में आई है तो सेकंड तक हमें कन्वर्ट करना है। तो 4 अपॉन 8 को बेटा अब यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ मैं
39 डिग्री 22 मिनट। 4/8 को बेटा क्या कर दो, 4/8 को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 60 से, बिकॉज आपको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, करेक्ट। तो इसे भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू बेटा आपके सेकंड की आ जाएगी। तो हमने इसको क्या लिख देना बच्चों, 39 डिग्री 22 मिनट। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 64 यहाँ पर ये आ जाएगा, 4 × 4 = 8, 2 × 2 = 30 आ गया बच्चों। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई है, तो मतलब 30 सेकेंड आ गया आपका बच्चों हमारे पास। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है फॉर दिस वैल्यू ऑफ रेडियन। मतलब अगर मुझे 11/16 को कन्वर्ट करना है किसमें, आपके पास डिग्री में, तो बेटा हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 184π से करना है। इसको तब तक ओपन करें जब तक सेकंड तक हमारे पास नोटेशन ना चला जाए, अगर पॉसिबल होता है। अगर 39 डिग्री में यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आता, मैंने कल भी पिछले वीडियो में बताया था, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो आपको यही छोड़ना, मतलब अगर 315 ही आता हमारे पास ओनली, तो 315 इज डिग्री इज आवर आंसर। बट ये ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ये वैल्यू गई सेकंड तक, तो आपके पास ये वैल्यू आई है। वीडियो पॉज करके बेटा इसे नोट डाउन कर सकते हैं, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। गाइस बात कर लेते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट की, डेट इज -4। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना है, पाई डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई के लिए हम पुट कर सकते हैं बच्चों क्या, 22/7, तो बेटा 7 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 11 = 4, और इसका कुछ हो नहीं सकता। तो बेटा मल्टीप्लाई 18 × 36, 36 × 7 = 7, 6 = 42, डेट इज 252, और ये जीरो है तो हमारे पास माइनस का 11। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो 218, सॉरी मल्टीप्लाई करके, तो यही आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 1480, तो 78 18, तो यस बेटा 252 ही आ रहा है, तो ये हमने आ गया। अब बेटा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो हमें फर्दर आपके पास क्या कहते हैं डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। तो हमने कैसे करना है, 2520 को डिवाइड करना है बच्चों, डेट इज 11 से, तो हम 11 × 2 = 22, ये आ जाएगा 3, एंड डेट इज आपके पास 32 बचा है, तो 11 × 2 = आपके पास 22, और अगेन यहाँ पर 0, तो 11 × 9 = बेटा 99, तो ये 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, डेट इज 11 × 2 = 9 and 1। तो बेटा यहाँ पर मैं इसको डिग्री में लिख सकता हूँ, और इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करके बेटा मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, डेट इज मैं इसको लिख सकता हूँ 229 degree and 60 upon 11 minute। इसको बेटा फर्दर कैसे हम कर सकते हैं, 60 को 11 से डिवाइड कर दो, एंड डेट इज 11 × 5 = 55, और ये 5 आया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे बच्चों, 229 degree, और आपके पास 11 × 5 = 5, तो यहाँ पर ये 5 मिनट हो गया, बाकी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 229 degree 5 minute, और 5 × 11 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मतलब 60 से, तो सेकंड में आ गया, तो 6 × 5 = 30, मतलब 300 हमारे पास, और उसको 11 से करते 11 × 2 = 22, 8 आ गया, 11 × 7 = आपके पास 77 3। तो अगर मैं सुमिक्स फ्रैक्शन में लिखूं बच्चों, तो क्या आ गया 229 degree 5 minute, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बच्चों इन द मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 11 × 27 3, तो ये 27 सेकंड आ गया आपके पास। तो अब मैं इसको फाइनल आंसर क्या बोल सकता हूँ बेटा, यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हैं, -4 है, तो ये माइनस में चलता जाए, तो -229 degree 5 minute and 27 सेकेंड, इसके अंदर वैल्यू बेटा जा नहीं सकती, वरना और भी आगे सॉल्व कर देते। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया -4 का, वीडियो पॉज के बेटा से नोट डाउन कीजिए, चलते हैं फिर क्वेश्चन थर्ड की तरफ। बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट की, डेट इज व्हाट आपके पास 5π/3 बेटा, क्योंकि 180/π से मल्टीप्लाई कर सकते, तो इजिली कैंसिल आउट, 300 degree, तो ये तो बहुत इजी था बेटा, बहुत इजी तरीके से हो गया। कैंसिल आउट होने पे होता है बेटा, कैलकुलेशन लंबी है या छोटी है या बड़ी है, मतलब जो भी है हमारे पास वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि गिवन दिया क्या है। तो 7π/6, इसको बेटा हम क्या करेंगे फोर्थ पार्ट में, 180π से कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 6 × 3 = 210 degree। बेटा देखो हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में यही सीखा कि हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ डिग्री मेजर इनटू द रेडियन एंड रेडियन मेजर इनटू द डिग्री। ये क्यों बेटा, बिकॉज क्वेश्चन में जो हमारे पास ये जरूरत होती है आपको, ठीक है,
कहाँ कहाँ पड़ेगी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके से नोट ऑन पेज चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। गाइस अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन नंबर थर्ड की तो क्या बोलता है हमारे पास क्वेश्चन की, एक वी है और वो बेटा क्या कर रहा है 360 रिवोल्यूशन ले रहा है एक मिनट में। मतलब कि वी है और जब वो चल रहा है बेटा हमारे पास तो कितने रिवोल्यूशन ले रहा है बेटा 360 रिवोल्यूशन लेता है बेटा कितने मिनट में, आपके पास 1 मिनट में, करेक्ट लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि कितने रेडियन हमारे पास वो रेवोल्यूट करेगा इन 1 सेकंड बच्चों, कितने में 1 सेकंड में। तो ये बताओ अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बच्चों कितना है हमारे पास रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट में इस 360, तो बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1, एक चीज बताओ 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकंड, ये बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 1 सेकंड में बच्चों कितना लेगा हमारे पास 360/6t, that is 6 रिवॉल्यूशन लेगा 1 सेकंड में। मतलब यहाँ पर यूनिटी मेटर लगा देना ना भैया, 1 मिनट में इतना मतलब 60 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में कितना 360/60। तो अगर एक चीज बताओ जब हम अगर ऐसे क्वाड्रेंट में करें तो ये एक रिवॉल्यूशन में बेटा कितना रेडियन लेता है, ये कितने डिग्री लेता है 360 डिग्री। बट हमें भाई जो क्वेश्चन में क्या क्वेरी है कि हाउ मेनी रेडियन, तो एक चीज बताओ हमने पढ़ा हुआ है कि 360 डिग्री मतलब बेटा क्या होता है 2π रेडियन, मतलब एक चक्कर में बेटा हमारे पास कितना रेडियन करता है 2π रेडियन, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना हमारे पास बनाता है 2π रेडियन बनाता है। तो अगर ये हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन रहता है तो एक रिवॉल्यूशन में बेटा हमारे पास 2π रेडियन है, तो रेडियन बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा इन 6 रिवॉल्यूशन, 2 × 6 या 2π × 6 12π रेडियन आंसर। कोई डाउट बच्चों, भाई देखो ना एक में बेटा कितना ले रहा है वो 2 रेडियन ले रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे यूनिटी मार्जिन से लगा लिया कि एक हमारे पास सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, कितने बार रिवोल्यूट करेगा, डेट इज 6 बार। तो अगर एक बार ये बेटा हमारे पास 2π रेडियन, बिकॉज एक कंप्लीट में कितना एंगल होता है 360 डिग्री का और वो कितना बनाता है 2π रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा 6/6 × 2π = 12π रेडियन। बेटा बात कर लेते हैं सॉल्यूशन 4 की, और क्या बोल रहा है हमारे पास फाइंड द डिग्री मेजर, हमें डिग्री मेजर निकालना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये बताओ एक हमारे पास बच्चों सर्कल है और उसके सेंटर पे बेटा एक रेडियस जो हमारे पास ऑफ व्हाट 100 सेंटीमीटर की जो वैल्यू वाला रेडियस है बच्चों वो एंगल सबटेंड कर रहा है। अब एंगल सबटेंड करेगा तो बच्चों पता है अगर आर्क यहाँ पर वैल्यू गिवन है तो आर्क यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो रहा है बच्चों, और उसकी लेंथ कितनी है आर्क की 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर्क की लेंथ बेटा 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि हाउ फाइंड द डिग्री मेजर, अब यहाँ पर डिग्री मेजर बताना है मतलब इसको थीटा अगर मैंने माना थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, बट थीटा की वैल्यू डिग्री में फाइंड करनी है। एक चीज बताओ बेटा मैंने आपको बताया था कि यूनिट सर्कल है, अगर मान लो ये 1 यूनिट जा रहा है तो ये 1 रेडियन बनाएगा, तो मतलब ये 22 सेंटीमीटर जा रहा है तो 22 रेडियन बना रहा होगा, और ये भी हमारे पास बेटा रेडियन में गिवन है, मतलब जो डिग्री की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो हम पहले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है ये एल होता है आर्क, ये रेडियस होती है, तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हमने क्या निकाला था एल अपॉन में आर, ये रिलेशन था। तो थीटा हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एल हमारे पास 22 है और आर हमारे पास बेटा 100 है, तो इतना हमारे पास निकल गया। बट ये रेडियन में है, ये रेडियन में है बच्चों, ठीक है। इस वैल्यू को रेडियन थीटा बट हमें निकालना है किसमें है, फाइंड द डिग्री मेजर। तो भाई एंगल का जो बेटा हमारे पास सबस्टैंड हो रहा है वो डिग्री मेजर में फाइंड करना है। तो डिग्री में बेटा हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या हमने सीखा है भैया, किसको प्रायोरिटी देंगे ऊपर न्यूमरेटर में 180 को, और पाई के लो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब पाई के लो अगर मैं पुट कर दूँ बच्चों यहाँ पर तो क्या हो जाएगी 22/7, और 7 ऊपर गया तो हमारे पास 22 आ गया यहाँ पर 180, और 7 ऊपर गया बच्चों
और यहाँ पर 122, तो ये कैंसिल आउट, 0 से 0 गया, 2 9s and 2 5s, तो बेटा क्या आ गया, 9 7s 63/5। बट बच्चों यहाँ पे अपॉन में आ गया तो फिर से भाई डिवीजन वाला प्रोसेस, तो बेटा यहाँ पर 63 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आएगा 5 5s 5 और 5 2s 10, तो ये आ गया 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 5 12 3, तो ये 12 डेली हो गया। अब इसको बेटा मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस मिनट में आ गया, तो 5 1 5 एंड 12 5 60, तो 12 3 36, मतलब हम इसको 12 degrees and 36 minutes बेटा लिख सकते हैं। मतलब बच्चों हमारे पास जो एंगल यहाँ सब्सटेंड हो रहा है थीटा इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, वो मतलब क्या होगा, 12 degrees 36 minutes का एंगल सब्सटेंड कर रहा है फॉर दिस एल एंड आर। तो बहुत ईजी है बेटा कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो क्यों प्योर भैया कैलकुलेशन अगर यहाँ पे कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप तो फंस जाते, बच्चे यहीं तक छोड़ के आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, वीडियो पॉज करके से नोट डाउन करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा अगर हम बात करें सॉल्यूशन नंबर 5 की, तो हमारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है बच्चों और उसका डायमीटर मान लियो हमारे पास कितना है, कि डायमीटर हमने मान लिया 40 सेंटीमीटर, मान क्या यह गिवन है बच्चों, तो 40 सेंटीमीटर डायमीटर, तो बेटा रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, बिकॉज देखो डायमीटर का हमें फायदा भी नहीं है लेने का, बिकॉज हमें तो रिलेशन भी पता है थीटा का, वो क्या है एल अपॉन आर है, तो रेडियस का काम है, तो यहाँ से हमें 20 सेंटीमीटर मिल गया। तो उसके बाद बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20, कॉर्ड है कोई, अब कहाँ है हमें नहीं पता, हमें माइनर आर्क का ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, ये बताओ अगर ये सर्कल है बच्चों और ये हमारे पास रेडियस है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आया है तो ये हमारे पास आर्क होगा बच्चों ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे पास ये माइनर आर्क की बात करें तो बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए, जो ये वैल्यू बेटा वो माइनर है बिकॉज छोटी है, जो बची हुई वैल्यू हमारे पास वो मेजर आर्क है, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया माइनर आर्क, और हमारे पास ये क्या हो गया बच्चों मेजर आर्क, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है, कोई डाउट मत लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना बच्चों कि ये मान लो ये हमारे पास लेंथ माइनर आर्क का है, ये हमारे पास इतना क्या है हमारे पास माइनर आर्क, ये हमारे पास क्या बच्चों माइनर आर्क है, तो और ये एंगल सबस्टेंड हो रहा है थीटा हो रहा है। अब हमारे पास कॉर्ड, कॉर्ड की वैल्यू देखिए बेटा, कॉर्ड अगर मान लो ये हमने मान लिया, कॉर्ड हो नहीं सकता, अब मानने को तो हम यहाँ भी मान सकते हैं, मतलब यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, बट हमें एक चीज़ बताओ, हम अगर जब कैलकुलेशन या किसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हैं तो बेटा हमें ऐसा अप्लाई करना चाहिए कि वो क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। अब यहाँ पर अगर ये मैंने यहाँ पर कॉर्ड क्यों बनाया बच्चों, यहाँ और यहाँ क्यों नहीं बनाया, बिकॉज देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कॉर्ड की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 20 है, तो ये भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर रेडियस है सेम सर्कल का, और ये भी 20 सेंटीमीटर की बने, तो अगर इस तीनों साइड इक्वल है तो मतलब ये ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया 20 20 20 है साइड, तो मेरा ट्राइंगल क्या बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब अब थीटा हमारे पास बच्चों क्या हो गया 60 डिग्री। अब ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है बाई गिवन, तो आपको पता है लिख देना है बाई गिवन वैल्यू ऑफ आर एंड कॉर्ड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एज ट्राइंगल फॉर्म या इक्विलेटरल एज इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों यहां पर देखो अगर ये ऐसी चीज आ गई ट्राइंगल आ गया तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया, तो अगर थीटा 60 आ गया बच्चों तो हमें पास पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर। अब बेटा हमें एल फाइंड करना है, मतलब एल की वैल्यू होगी आर इनटू में थीटा। बेटा एक चीज मुझे बताओ, अब क्या ये रेडियन वैल्यू क्या डिग्री से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो बच्चे हम गलती कर देते हैं, हमें थीटा को पहले कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से क्या कर दो मल्टीप्लाई है, तो 0 से 0 6 1 6 6 3 18, हमारे पास आंसर आ गया पाई अपॉन में 3 रेडियन, तो बहुत ईजी था कैलकुलेशन।
अब ये थीटा हमारे पास रेडियन में आ गया, तो एल का फॉर्मूला हमारे पास आर आर 20 है, थीटा हमारे पास अब रेडियन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर हमारे पास एल आ गया बेटा 20 पाई अपॉन में 3 रेडियन। तो बेटा बहुत ही इजी कैलकुलेशन, तो वीडियो पॉज करके बेटा ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट कीजिए। चलते हैं बेटा अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट भी है कि इफ इन टू सर्कल, बेटा दो सर्कल है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री करना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज में, और थीटा इसको टेल अपन आ रहा है, हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इफ टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम, बेटा आर्क है इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ आर्क तभी बनेगा ना, कुछ डिस्टेंस जब हमारे पास जो है इनिशियल एंगल कब बनता है, आर कब बनता है भैया, हमारे पास जो हमारे पास मान लो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ आएगी, ये मूव करेगी चाहे क्लॉक वाइज चाहे एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ पर ही है एंटी क्लॉक वाइज इसलिए पॉजिटिव एंगल बनाया, हमने बात तो पहले कर ली है। तो दो हमारे पास सर्कल है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये दोनों की लेंथ अब यहाँ पर इस एल की और इस एल की वैल्यू बेटा सेम है, मान लो ये एल वन है और ये एल टू है, तो यहाँ पर ये गिवन है एल वन के है एल टू के बराबर है, मतलब एल वन एल टू को मैं एल मान लेता हूँ, दोनों की वैल्यू क्या मान लेता हूँ एल, ठीक है बच्चों। नाउ अब एक एंगल कर रहा है 60 डिग्री का सबस्टैंड और एक एंगल बेटा क्या कर रहा है 75 डिग्री का, बेटा एक चीज बताओ हम कैलकुलेशन करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लगाएंगे तो आपको पता है रेडियन में वैल्यू चाहिए, तो मैं क्यों ना इस 60 डिग्री को पहले से रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ, डेट इज आपके पास क्या आ जाएगा 6 × 3 डेट इज 60 डिग्री को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया बच्चों आपका रेडियन में, डेट इज कितना आ गया पाई अपॉन में 3 सी, कोई दिक्कत नहीं। नाउ 75 डिग्री को बेटा हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन 75 इंटू में पाई अपॉन 180 डिग्री, तो 5 बन जाए 5, 5 आते 25, 5 थ्री 15 एंड 60, तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है और आगे जा सकता है यस 3 × 5 = 3, 3 × 3 = 2 मतलब आपके पास आ गया 5 पाई अपॉन में 12 बच्चों डिग्री, तो हमने दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब क्या बोल रहा है बेटा कि हमें इन दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है, तो भाई इसको मैंने आर वन मान लिया, इसका आर टू मान लिया, मैंने लेट कर लिया, ठीक है तो आप लिख लेना इसको, तो इस पर बताओ क्योंकि इसका फॉर्मूला थीटा का क्या होगा बच्चों हमारे पास एल अपॉन में आर, तो थीटा वन एल वन अपॉन आर वन ले लेते हैं और थीटा टू बेटा क्या ले लेते हैं एल टू अपॉन में आर टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक चीज बताओ एल वन के लिए यहाँ से आ जाएगी थीटा वन इंटू में आर वन और एल टू के लिए बेटा हमारे पास आ जाएगी क्या थीटा टू इंटू में आर टू, बेटा क्योंकि एल वन की वैल्यू भी एल मैंने मान ली है बिकॉज इक्वल है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है टू कोस टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर की वैल्यू सेम है एल की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू भी एल मान लू इसकी भी एल मान लू, तो इस बार मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूँ उसको सेकेंड मानूँ, तो बाई इक्वेशन वन एंड टू बाई इक्वेशन वन एंड टू वी गेट हमें क्या मिल जाता है बच्चों कि मैं थीटा वन आर वन को किसके बराबर रखूँ थीटा टू आर टू के, और हमें जो रेशियो चाहिए आर वन अपॉन आर टू का, तो मैं आर वन अपॉन आर टू यहीं लिख देता हूँ आर, अब ये नीचे जाएगा तो थीटा टू अपॉन थीटा वन हो जाएगा, थीटा टू के लिए बेटा हमने रेडियन में पहले निकाल दिया, डेट इज वट थीटा टू के लिए बेटा हमारे पास ये थीटा वन है हमारे पास पहला और ये है थीटा टू, तो अब हमारे पास क्या है बेटा थीटा टू आपके पास आ गया 5 पाई अपॉन में 12 और थीटा वन आपका आ गया पाई अपॉन में 3 रेडियन, तो 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 5 से 5 गया आपके पास 5/4 आ गया बेटा 5/4 मतलब आंसर आपके पास जो आर वन अपॉन आर टू बच्चों वो क्या है 5/4 मतलब आर वन रेशियो आर टू बेटा शुड बी 5:4, तो बहुत ही ईजी था बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए, तो कुछ था नहीं बस आपके पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो गिवन था हमारे पास कि दोनों का आर्क बेटा हमारे पास क्या सेम है, तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, गाइस क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कीजिए गाइस। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन डेट इज 7 पे, और बेटा ये बोल रहा है कि फाइंड द एंगल, बेटा क्या बोल रहा है हमारे पास कि बेटा क्या बोल रहा है फाइंड दी एंगल इन द रेडियन, बेटा एंगल जो थीटा है हमारे पास उसको रेडियन में फाइंड करना है। अब बच्चे सोचोगे सर थीटा तो हम डिग्री में निकालते हैं, बेटा देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियन में फाइंड करो, तो मैं तो कहता हूँ आपके लिए बहुत ईजी हो गया,
कि हमारे पास एक पेंडुलम है और स्विंग कर रहा है वो, मतलब अभी मान लो पेंडुलम कुछ इस तरीके का होता है और इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, दैट इज ये रेडियस की तरह हो गया और ये स्विंग कर रहा है ऐसे ऐसे। तो अब ऐसे कर रहा है स्विंग, तो भैया ये तो ये थीटा हो जाएगा, ये हमारे पास रेडियस मान लो है ना, और ये एल है। तो सिंपल, अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क पहले केस के लिए 10 है, दूसरे केस के लिए 15 है, तीसरे केस के लिए 21 है, तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा क्या होता है हमारे पास, पहला थीटा इज इक्वल टू होता है आर एल अपॉन आर, और एल बच्चों हमारे पास क्या है पहले के लिए 10 और रेडियस हमारे पास सेम ही होगा 75, तो इतना रेडियन हमारे पास आ गया। अब देखो थीटा के बारे में रेडियन में बोली है, डिग्री में नहीं बोली है। अगर डिग्री में बोली होती तो बेटा हम इसे कन्वर्ट करते कैसे, 180/22 से मल्टीप्लाई करके, तो बहुत ईजी हो गया। सेकंड केस के लिए बेटा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, और अब हमारे पास एल है 15 तो अपॉन 75 इसका रेडियन हो गया। इसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, जैसे 51 या 15 75 तो 1/5 इसे हम कन्वर्ट करके कर सकते हैं ऊपर वाले को भी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपका जो है गलत हो जाएगा, बट फिर भी 5 टू ज़ा और 15 5 ज़ा 75 तो मतलब 2/15 आपके पास रेडियन इसका भी आ गया। थर्ड देख लो बच्चों क्या है, फिर से थीटा इसको 12/r, तो खुश हो रहे बहुत कि सर ये तो बहुत ईजी कैलकुलेशन है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि रेडियन में फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड दी एंगल इन दी रेडियन, अगर डिग्री में बोला होता तो बेटा ये आप कन्वर्ट करते। तो एल हमारे पास 21 है, रेडियस है 75, 3 7 जा 3 25 3 जा, और आंसर आ गया 7/25 रेडियन। तो बेटा ये हमारे पास सॉल्यूशन था हमारे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, विच आर बेस्ड ऑन व्हाट डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क रेडियस एंड आपके पास थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू और बहुत ही वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज राइट एंगल। अभी तक हमने सिर्फ 90 डिग्री की बात की थी, अब हम 180 डिग्री, 720 डिग्री, बहुत सारी डिग्री की बात कर लेंगे, और आप यू निकालोगे छुट्टी में आंसर, डेट इज कॉल राइट एंगल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।